प्रथम दिवसे ज्योतिर्लिंग सोमनाथ दादा ना दर्शन थी प्रस्थान करी अने त्रीजा दिवसे यात्रा मोजीदड़ खाते पहुंची हती। तारे यात्रा नु स्वागत करवामां आव्युं हतुं। उल्लेखनीय छे के 4 ऑगस्ट 2023 ना दिवसे जम्मू काश्मीर मां कुलगाव विस्तार मां आतंकियों साथे सर्च ऑपरेशन दरमियान पोताना राष्ट्र माटे शहीदी वहोरी हती। आगळ वात करीए तो अहींया उल्लेखनीय छे के वीर शहीद महिपाल सिंह नो जन्म पण 15 ऑगस्ट ना दिवसे थयो हतो अने तेमनी उत्तर क्रिया पण 15 ऑगस्ट ना दिवसे करवामां आवी छे। त्यारे आजे शहीद वंदना वीरांजली यात्रा प्राथमिक कन्या शाळा मोजीदंड खाते आवी पहोंची हती। त्यारबाद शहीद वंदना वीरांजली यात्रा मां मोटी संख्या मां ग्रामजनों जोड़ाया हता अने यात्रा राधाकृष्ण मंदिर चौक खाते पहोंची हती। त्यारे राजपूत क्षत्रिय सुप्रीम काउंसिल द्वारा वीर सहित महिपाल सिंह वाड़ा ना परिवारजनों ने सम्मानित करवामां आव्या हता अने वीर शहीद महिपाल सिंह वाड़ा नी शहादत ने बिरदावता जणाव्युं हतुं के पोताना प्राणनुं बलिदान आपीने मोजीदंड गामनुं नाम पर पूरा देश अने दुनियामां गूंजतुं कर्युं छे। आ अगाउ जडेश्वर महादेवनी धंधुका रोड ने जोड़तो मार्ग ने वीर शहीद महिपाल सिंह वाड़ा मार्गनुं नामकरण करवामां आव्युं हतुं। त्यारे शहीद वीर ने वीरांजलि वंदे मातरम भारत माता की जय वीर शहीद महिपाल सिंह अमर रहू ना नारा साथे लगाव्या हता। शहीद थयेला मां भारती ना पनोता पुत्र वीर महिपाल सिंह ना पत्नी ने त्यां अश रूपे दीकरी नो जन्म थयो छे। ए दीकरी विरलबाए एना बाप नु मुख जोवा नथी पामी पण वीरांगना वर्षाबा ना कुखे एनो जन्म थयो छे। आ यात्रा मां राजपूत क्षत्रिय सुप्रीम काउंसिल ना अग्रणीओ सहित मोटी संख्या मां ग्रामजनो जोड़ाया हता। ભરતભાઈ ડાંગરિયા વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ વિભાગ અધ્યક્ષ, વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ દ્વારા શૌર્ય જાગરણ યાત્રા ભારતભરમાં ભ્રમણ કરી રહી છે, જે યાત્રા છેલ્લા 4 દિવસથી જામનગરની અંદર ભ્રમણ કરી રહી છે, જે આજ રોજ વિભાવર શિશુ મંદિરમાં પહોંચેલ છે, ત્યાં ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવેલું છે અને વિવિધ વિસ્તારોમાં યાત્રા ભ્રમણ કરશે। રાત્રિના સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો છે। આ યાત્રાનું સમાપન 5 તારીખના રોજ પ્રદર્શન ગ્રાઉન્ડમાં ભવ્ય લોક ડાયરા સાથે માયાભાઈ આહિર તથા પૂનમબેન ગોંડલિયાનો લોક ડાયરો રાખેલો છે અને લોક ડાયરા સાથે આ યાત્રાનું સમાપન છે અને શહેરની જનતાને આ લોક ડાયરા માણવા માટે અમારું ભાવભર્યું આમંત્રણ છે। મહેપત મેડાલિયા સાથે લાઈવ 24 ન્યૂઝ સુરેન્દ્રનગર।